प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए इस महामारी के मामलों की संख्या में अचानक वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस वायरस की रोकथाम के लिए और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 वैक्सीन के अपव्यय की जाँच करने, फेस मास्क के प्रभावी उपयोग और परस्पर दूरी बनाए रखने पर भी बल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों द्वारा RT-PCR परीक्षणों को बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से कहा है कि न केवल परीक्षण क्षमता बढ़ाई जाए बल्कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए विभिन्न SOP का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य में 1.78 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है जो कुल आबादी का लगभग 2.60% है। राज्य सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और उसके अनुसार उचित कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पंजाब के मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि वायरस के प्रसार की जांच करने के लिए पंजाब से हिमाचल प्रदेश आने वाले तीर्थ यात्रियों पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि मेलों और अन्य कार्यक्रमों के उत्सव के दौरान SOP का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आने वाले समय में किस प्रकार से इस की तैयारी करनी है उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े सख्त और साफ संदेश दिया है। आज एक तो वैक्सीनेशन के इस अभियान को कहा कि इसको तेज गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको तेजी से बढ़ाइए। जिन प्रदेशों में स्लो चल रहा है उन प्रदेशों में विशेष तौर से उन प्रदेशों के नाम लेकर के आग्रह किया है। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश हमारा ठीक चल रहा है। दूसरे, पिछले कुछ अरसे में बहुत बड़ी कमी आई है टेस्टिंग में, और टेस्टिंग में जो कमी आई है उसमें RT-PCR की टेस्ट में जो है वो बहुत बड़ी कमी पाई गई थी। कैजुअलनेस, यानी कि हमारा जो जो फ्रंट लाइन में हमारे पर्टिकुलर जिनको हम बोलते हैं जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनको विशेष तौर से कहा कि उनको प्रोत्साहित करें कि वो कोविड के टेस्ट को और इसमें बढ़ोतरी, जितनी कैपेसिटी आपकी है उस कैपेसिटी को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। तीसरी बात, वैक्सीन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि वैक्सीन का अभिप्राय ये नहीं है कि आप बिल्कुल कोरोना के इस सारे से बिल्कुल मुक्त हो गए। वो एक उपाय है, जैसे मास्क है एक उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग एक उपाय है, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय, कारगर उपाय वो वैक्सीन है। इसलिए वैक्सीन के इस अभियान को पूरा करना ही है और उसको तेज गति से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस बात के लिए एक और विषय भी आया कि कुछ एक प्रदेशों में ये भी स्थिति देखी गई है कि वैक्सीन की वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है। 10% जो है वो वेस्टेज जा रही है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल इसमें लोएस्ट नंबर पर है। हम 1.4 पर है, यानी कि 2% से भी कम है, सबसे कम वेस्टेज है हमारी हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन की। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर उन्होंने कहा, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से जब मामलों में गिरावट आई, मामलों में कमी आई, उसके बाद क्या हो गया कि लोगों ने बहुत कैजुअली लेना, यानी कि जो पॉजिटिव कोई टेस्ट में पाया गया तो उसके बाद फिर जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जो हिस्ट्री निकाली जाती थी, आप किसको मिले, कब कब आप कहाँ गए, कैसे गए, किससे मिले, वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जा ही नहीं रहा कोई आदमी, तो उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। इस बीच में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को फिर फोकस करिए ताकि ज़्यादा इसको स्प्रेड होने से, इसको बनने से, संक्रमण को रोका जा सके। इन पॉइंट्स पर फोकस होकर के बातचीत हुई, लेकिन काफ़ी अच्छी। हम सारी चीज़ से चिंतित है क्योंकि हमारा पड़ोसी प्रदेश है और पड़ोसी प्रदेश का हमारे हिमाचल प्रदेश में आना जाना भी काफ़ी सारे बिजनेस के सिलसिले में आना होता है, चाहे वो टूरिस्ट बन करके आना होता है वो भी। और अभी मुझे मालूम पड़ा कि ऊना में एक बहुत बड़ा मेला होता है, मैडी मेला, जिसमें लगभग 15-16 लाख से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसके लिए हमने, हालांकि कैबिनेट में हमने एक डिसीजन लिया था कि उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस करें, SOP बनाने के लिए हमने बोल दिया है। एक रोकना, एक मेले को रोकना वो संभव नहीं है और ठीक भी नहीं है, उचित भी नहीं है। मेले रोकने तो फिर सब रोकने पड़ेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली वहाँ सारा का सारा जो श्रद्धालुओं का नंबर आएगा वो सारा पंजाब से आएगा, और पंजाब में इस वक्त केसेस ज़्यादा बढ़े हैं। ऐसे में हमने वहाँ पर SOP को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला हुआ है, और मैं वहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री जी से भी आज बात करने वाला हूँ इस सिलसिले में कि कम से कम
मैडी मेले के लिए जो जिस प्रकार से वो ट्रकों में वो तह लगा करके आ जाते हैं, एक एक ट्रक में 100-100 लोग आ जाते हैं उसमें, तो उसको थोड़ा सा किस तरह से रोका जा सकते हैं। धार्मिक भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी संकट ये अलग तरह का है, उसमें थोड़ी सी परहेज करने की बात करेंगे।